गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, स्वागत है आपका स्वतंत्र प्राइवेट आईटीआई के डिजिटल क्लासेस में। और आज का मेरा टॉपिक है स्क्वायर। तो आपको स्क्वायर किस प्रकार से बनाना है ये जानना है आपको। स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट मेथड का प्रयोग करेंगे। फर्स्ट मेथड क्या है ये देखिए, फर्स्ट मेथड क्या है, तो इसमें दिया हुआ है ए स्क्वायर ऑफ साइड, ए स्क्वायर ऑफ साइड 50 mm बाय इरेगेटिंग परपेंडिकुलर। तो ये फर्स्ट मेथड है आपका, दिया हुआ है क्या ए स्क्वायर ऑफ साइड 50 mm बाय इरिगेटिंग परपेंडिकुलर। 50 mm का एक आपको वर्ग बनाना है, तो किस प्रकार से बनाएंगे देखिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक ए और बी लकीर खींच लेंगे इस प्रकार से। आप सेट स्क्वायर के सहायता से क्या कीजिएगा, ए और बी लकीर खींच लीजिएगा। ये ए पॉइंट हो जाएगा आपका, ये बी पॉइंट हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, कंपास लेना है, डेढ़ सुई लेना है, और डेढ़ सुई लेने के बाद आपको एक चाप लगाना है इस प्रकार से। कोई भी माप का चाप आप इस प्रकार से लगा सकते हैं, इधर भी इस पे रख के क्या करना है आपको, एक चाप लगा देना है इस प्रकार से। और उसी चाप के माप से आपको क्या करना है, नेक्स्ट 90 डिग्री यहां पर बनाना है। तो कैसे बनाएंगे 90 डिग्री, तो चाप का माप लेके एक बार पहले काटेंगे, फिर उसी माप से एक बार इधर काटेंगे, और फिर जो पॉइंट निकला, ये पॉइंट निकला, यहाँ पे दो पॉइंट निकला, इस पॉइंट से ऊपर एक बार काटेंगे, इस पॉइंट से एक बार ऊपर काटेंगे। ऊपर काटने के बाद क्या हो जाएगा, ये दोनों पॉइंट जो है मेरा आपस में 90 डिग्री पे बिल्कुल मिल जाएगा। तो हम इसको 90 डिग्री पे मिला देंगे इस प्रकार से, 90 डिग्री पे मिल जाएगा। फिर जिस प्रक्रिया से इधर हम लोग किए, उसी प्रकार इधर भी हमको क्या करना है, चाप काटना है, उसी माप से क्या करना है, एक बार चाप काटना है इधर, फिर नेक्स्ट इस पे रखना है, नेक्स्ट इधर ऊपर काटना है इस प्रकार से। फिर ये जो पॉइंट आता है आपका, ये दोनों पॉइंट पे क्या करना है, कंपास को रखना है और ऊपर की ओर काटना है। एक बार ऊपर इधर काटेंगे, इधर से लेफ्ट से एक बार, और एक बार राइट से काटेंगे, और फिर क्या करेंगे, ये दोनों पॉइंट को 90 डिग्री में बिल्कुल मिला देंगे। ये 90 डिग्री में बिल्कुल मिल जाएगा इस तरह मिल जाएगा। अब देखना है आपको कि साइज आपका क्या दिया हुआ है, साइज कितना दिया है, 50 mm दिया हुआ है, 50 mm दिया हुआ है। तो ये तो मेरा 50 mm हो गया। अब ऊपर वाला को क्या करना है, सेट स्क्वायर के सहायता से हमको 50 mm मापना है। मान लेते हैं मेरा यहाँ 50 mm हो गया, तो इसको हम 50 mm माप लिए। इधर से भी क्या करना है, 50 mm आपको माप लेना है, और मापने के बाद दोनों को क्या करना है, सेट स्क्वायर से डार्क करके मिला देना है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका एक स्क्वायर बन जाएगा। फर्स्ट मेथड से ये स्क्वायर आपका बन जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, ए बी सी और डी से दर्शा देंगे। तो समझ में आया फर्स्ट मेथड। अब आना है आपको सेकंड मेथड में। सेकंड मेथड क्या है देखना है ये। तो देखिए इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। सेकेंड मेथड क्या है, ए स्क्वायर ऑफ साइड 60 mm, इसमें 60 mm दिया हुआ है, 60 mm दिया हुआ है, यूजिंग 45 डिग्री सेट स्क्वायर एंड कंपास। बोल रहा है कि एक स्क्वायर आपको बनाना है जिसका भुजा दिया हुआ है कितना, 60 mm दिया हुआ है, और उसमें यूज करना है आपको, आपको प्रयोग करना है 45 डिग्री का, सेट स्क्वायर का और कंपास का। तो किस प्रकार से हम इसको बनाएंगे देखते हैं।
सबसे पहले इसमें भी क्या करेंगे, ए बी रेखा खींचेंगे जो 60 एमएम का होगा। इस प्रकार से ए बी खींच लेंगे, ए बी खींचने के बाद हम क्या करेंगे, कंपास के सहायता से ए पॉइंट और बी पॉइंट को 45 डिग्री बनाएंगे। 45 डिग्री, तो 45 डिग्री मेरा जहां पर बनेगा, मान लेते हैं कि मेरा इधर बना 45, ए का मेरा 45 इधर बना, तो उसको क्या करेंगे हम इस प्रकार से मिला देंगे, बिल्कुल थीन लाइन में इस प्रकार से मिला देंगे। फिर हम क्या करेंगे, कंपास की सहायता से बी को क्या करेंगे, बी पॉइंट को भी 45 डिग्री बनाएंगे। मान लेते हैं कि मेरा यहां पर बनेगा 45 डिग्री, तो उसको भी हम क्या करेंगे इस प्रकार से मिला देंगे, बिल्कुल ही थीन लाइन में मिलाना है, डार्क नहीं करना है। तो एक पॉइंट आपका आएगा यहां पर ओ पॉइंट। अब इस पॉइंट पे क्या करना है आपको, डेढ़सुई को रखना है, कंपास को रखना है और 50 एमएम का माप आपको लेना है, सॉरी 60 एमएम का माप लेना है आपको कंपास में। और 60 एमएम लेने के बाद इस पॉइंट से क्या करना है आपको, इस प्रकार से बिल्कुल ही राउंड कर देना है। राउंड करने के बाद ये राउंड आपका क्या बन जाएगा, एक वृत्त बन जाएगा। वृत्त बनाने के बाद आपको क्या करना है, ये पॉइंट बाय पॉइंट आपको मिला देना है इस प्रकार से। देखिए 90 डिग्री में बिल्कुल डार्क करके पॉइंट बाय पॉइंट इसको आपको मिला देना है। ये मिलने के बाद देखिए अंदर में क्या होगा, आपका एक स्क्वायर, कंप्लीटली स्क्वायर आपका बन जाएगा। तो ए और बी यहां दर्शाए, यहां सी दर्शा दीजिएगा आप, इसके बाद यहां डी दर्शा दीजिएगा। तो सेकंड मेथड से हम इस प्रकार से स्क्वायर को बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल हम लोग आयत के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।